हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि पलम और पुदीने की चटनी आप कैसे बना सकते हो। तो ये है पलम, हम यहाँ से पलम तोड़ लेंगे। ये हमारे बगीचे में लगे हैं, तो पहले तोड़ लिए थे मैंने, बट और तोड़ लूँगा। चलो, ये मैंने चार पलम तोड़ लिए, अब हम अंदर जाके इसकी चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पलम और पुदीने को ढंग से धो लेंगे, क्योंकि ये बाहर से लेके आया था मैं। इनको ढंग से धो लिया। और ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे प्याज है, काली मिर्ची है, चिल्ली है और गार्लिक है, नमक, ये सबको हम काट के रख लेंगे। उसके बाद हम कुंडी बोलते हैं इसको, कुंडी में पुदीना डाल देंगे और जो काट के पलम रखे हैं वो भी हम उसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद जो कटे हुए पलम और पुदीना है उनको हमें मिलाना है, तो उसके लिए हमारे पास ये, इसको हम बोलते हैं बेलन। तो इसके सहारे हम जितने भी पलम और पुदीना है उसको हम पीसेंगे। उसके बाद पीस लेंगे इन दोनों को। फिर हम जो प्याज हमने काटा था उसको उसमें डाल देंगे और ये लहसुन भी डाल लेंगे। ये मिर्ची है, ये भी हम डाल लेंगे और जो ब्लैक पेपर है ये भी हम डाल लेंगे, काली मिर्च जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद हम बेलन के साथ इन सबको मिला देंगे। जब तक ये ढंग से नहीं मिलता, हमें इसे ढंग से मिलाना है। जितना हम इसे ढंग से मिलाएंगे उतना चटनी का जो टेस्ट है वो उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हम इसे मिलाते रहेंगे जब तक ढंग से ये मिल ना जाए। आप रॉ पलम वगैरह शॉप से भी खरीद सकते हो, अगर आपके खुद के बगीचे नहीं हैं तो आप शॉप वगैरह से खरीद सकते हो, शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये हमारा जो प्याज और पुदीना और जो पलम है वो ढंग से मिल चुके हैं, जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद हम नमक लेंगे, स्वाद अनुसार नमक ले सकते हो आप, जितना जितना आपको नीड है। अगर कोई ज़्यादा खाता है तो वो ज़्यादा डाल ले, बट वैसे नॉर्मल सा नमक डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें हमने नमक मिला लिया। उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, छोटे छोटे दो चम्मच ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आमचूर डालेंगे, आमचूर के दो चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास दूसरी कोई चटनी है तो आप वो भी डाल सकते हो, जिसे आप खट्टा बोलते हैं, आप उसके दो स्पून डाल सकते हो। हमारे पास नहीं था इसलिए हमने आमचूर डाला। आमचूर और इन शुगर को ढंग से हम मिला लेंगे इसमें चटनी में। अब ये मिल चुका है, देखो आप कितना अच्छा, दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। तो ये मिल चुकी है सारी चटनी। उसके बाद हम रिव्यू वगैरह लेंगे, मम्मी वगैरह का, इनू का, अम्मा का। तो देखिए मम्मी चक दसनी केड़ी, नमक मिर्च जो भी काट बाद दूंगा दस देना। वाह, एकदम परफेक्ट।
नमक मिर्च नमक मिर्च ठीक है घट बद दस दो हाँ ठीक है ठीक लाओ चखा भला अम्मा चखिया चटनी चखिया चटनी चखी है केड़ी बनी दसना फेरी ठीक ही मिर्चा मिर्च में पा रही एक मिर्च पा रही बस मिठा पाऊं और ठीक है मिठा कम है चलो चख अम्मा हूं चिन्नी पाई में चिन्नी चख चख चखा चिन्नी पाई तरी में हूं है मस्त अमरीका सट्टने बंब इंडिया च खाओ चटनी इंडिया में खाओ चटनी बंद नहीं कितरी सी वीडियो लियो थल्ले से नीचे वाली पकड़ा पहले चटनी खाओ चटनी